तो हरियाणा में हैट्रिक लगाने और जम्मू में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आज पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साफ कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि ये जनता की जीत है, बीजेपी की विचारधारा की जीत। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। हरियाणा के अंदर ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी कहा जा रहा है कि तीसरी दफा फिर जो है वो जीत गई है। पर मोदी बाप बन के बैठे हुए हैं, आज भी किसी की औकात नहीं उन्हें हिला के रख, इलाका थोड़ा सा भी हिलाते, पहली बात। दूसरी, किसी की औकात नहीं है और बीजेपी ऑल ओवर इंडिया बैठी हुई है और हरियाणा के अंदर जो धुनाई करी है अपोजिशन की वो तो आपको हमने बता ही दिया है और पूरी दुनिया ने देखा है। हरियाणा की भाजपा को लाख लाख शुभकामनाएं, भाजपा को शुभकामनाएं, अमित शाह जी को शुभकामनाएं, पूरे देश को शुभकामनाएं, पूरे लोकतंत्र को शुभकामनाएं। लग ही रहा है कि हरियाणा के अंदर अगर आप देखें तो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो छत पे लगी हुई है। और ये भी मेरा ख्याल है सिंस पार्टीशन में पढ़ रहा था कि सिंस पार्टीशन दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई भी हुकूमत जो है वो कोई भी पार्टी जो है वो तीसरी दफा हुकूमत बना सकी है। तो इसको भी आप अंदाजा लगा लें इस चीज से कि कितना ज्यादा उनका असर रसूख हुआ है कि थर्ड टाइम मरकज में भी थर्ड टाइम उन्होंने हुकूमत बनाई है, हरियाणा के अंदर भी थर्ड टाइम हुकूमत बनाई है। मतलब लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की, ये अभी मोदी की जीत है और मोदी जब चले भी जाएंगे तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा ये इंडिया की जीत रहनी है क्योंकि ये इलेक्शन भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है, ये बड़ी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, हरियाणा का रिजल्ट आया और भाई बीजेपी सरकार ने धूम मचा के रख दी। बम्पर 48 सीटों से भाई हरियाणा को जीत लिया है बीजेपी ने। दोस्तों इससे पता चलता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब हर स्टेट के अंदर बीजेपी ही जीत रही है। मोदी जी एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं इस देश के अंदर जिनको देख के वोट करते हैं लोग। उनकी छवि इस प्रकार की है कि वो हर स्टेट के अंदर जीत रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्शन करवाए और भाई बीजेपी की जो सीट है 48 सीट लग नहीं रहा था उनको मिल पाएगी। पहले तो कांग्रेस बहुत आगे चल रही थी, उसके बाद जिस तरीके से भाई बाजी पलटी है बीजेपी ने, 48 सीटों से भाई हरियाणा को जीत लिया है बीजेपी सरकार ने। इससे पता चलता है कि हरियाणा के लोगों को भी मोदी जी कितने ज़्यादा पसंद करते हैं और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हरियाणा के अंदर लगातार 3 बार सेम सरकार बनी है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। लेकिन अगर आप हरियाणा में जाएं वहां पे देखें तो जो बीजेपी ने अपना जो नॉन जाट वोट था उसको कंसोलिडेट करके रखा, फिर अर्बन वोटर की तरफ देखा, हरिवाल हैं, बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं, ठीक है जी, लेकिन जो कांग्रेस थी वो ज्यादातर जाट सपोर्ट की तरफ देखती थी और बीजेपी जो है उसने अपना एक जिसे कहते हैं ना एक यूनिफाइड लीडरशिप रही, सैनी साहब जो है वो देखते रहे और फिर दूसरा ये है कि उनका वोट शेयर फिर बढ़ गया। गवर्नेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें या जो अलायंसेस है, जो थर्ड टाइम कंसेक्टिवली आना बड़ी बात होती है यार, कोई मजाक थोड़ी। आप लोगों ने ये देखना है कि थर्ड टाइम वो जीते हैं, थर्ड टाइम किसी भी असम्बली में जीतना, बार बार जीतना बड़ी बात होती है। कोई मैं तो इसको जाती तौर पर समझ नहीं, उनकी जीत है वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है इट इज़ इनसाइड द सिस्टम, उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव को, आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे इंडिया के अंदर या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग, वो उसको पसंद किया जाता है कि यार ये बंदा जो है वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लग ये रहा है कि हरियाणा के अंदर अगर आप देखें तो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो छत पे लगी हुई है। और ये भी मेरा ख्याल है सिंस पार्टीशन में पढ़ रहा था कि सिंस पार्टीशन दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई भी हुकूमत जो है वो कोई भी पार्टी जो है वो तीसरी दफा हुकूमत बना सकी है। तो इसको भी आप अंदाजा लगा लें इस चीज से कि कितना ज्यादा उनका असर रसूख हुआ है कि थर्ड टाइम मरकज में भी थर्ड टाइम उन्होंने हुकूमत बनाई है, हरियाणा के अंदर भी थर्ड टाइम हुकूमत बनाई है। इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हो रहा, मुल्कों के अंदर स्टेट्स के अंदर इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म होता है कि एक बंदा है उसने रूल किया है, उन्होंने डिलीवर नहीं कर सके तो उसको उन्होंने कहा यार ठीक है मतलब बस करो, लेकिन इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हो रहा मोदी साहब का, ये जारी बात है। बल्कि मैं देख रहा था आज सुबह इंडियन मीडिया के ऊपर वो कह रहे थे, वो उनका दिल कर रहा था कि किसी तरीके जो है सुबह ऐसे लग रहा था कि हरियाणा जो है
वो कांग्रेस के पास जा रहा है। बहुत सारे जो हो रहा है जो कांग्रेस लीडरशिप है वो ये कह रही थी कि जनाब हरियाणा जो है वो कांग्रेस के पास जा रहा है, कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, ये करेगी, वो करेगी, फलां होगा, ढमकान होगा। लेकिन वो सारा फिर बाद में सारी बात, उन्होंने कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करना शुरू कर दी कि इलेक्शन रिजल्ट स्लो आए एंड ऑल दिस। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। वहां पर मोदी बाप बन के बैठे हुए हैं, आज भी किसी की औकात नहीं उन्हें हिला के रख, हिला का थोड़ा सा भी हिलाते, पहली बात। दूसरी, किसी की औकात नहीं है, और बीजेपी ऑल ओवर इंडिया बैठी हुई है, और हरियाणा के अंदर जो धुनाई करी है अपोजिशन की वो तो आपको हमने बता ही दिया है, और पूरी दुनिया ने देखा है, यहां तक कि अमेरिका भी अगर पूरी ताकत लगा के कह रहा है कि इंडिया को हिलाओ, और हरियाणा अगर हार गए तो दिल्ली के ऊपर किसान जो है वो कब्जा कर लेंगे। हरियाणा ने कहा किसान दिल्ली नहीं छोड़ेंगे भाई, 1000 साल तक लड़े हैं दिल्ली के लिए, तो अब नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी जो बिल्कुल बहुत बढ़िया मेजोरिटी के साथ, एक्चुअली पता है क्या होता है कि जब आप किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते ना, ठीक है, तो आप झूठी उम्मीदें पाल लेते हैं कि ये अभी नहीं गिर रहा ना, अब देखिए आ गया ना, अब ये गिराएगा, वो भी थप्पड़ खा के बैठ जाता है, फिर अब नहीं दूसरा आया ये गिराएगा, वो भी थप्पड़ खा के बैठ जाता है, फिर तीसरा आया वो गिराएगा, फिर थप्पड़ खा के बैठ जाता है, हर रोज कुछ ना कुछ, हर रोज कुछ ना कुछ। वो इसलिए क्योंकि नाउम्मीदी है, और उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई अल्टीमेटली मोदी को हराए तो हराए कैसे। ये चीज, और ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं है, आपके पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी रोज शाम को बैठ के प्लान बना लेते हैं मोदी को इस टूल किट से हराएंगे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री जिसके अंदर नेशनलिज्म कूट कूट के भर दिया है मोदी ने, उसको तुम टूल किट से तो हरा नहीं सकते, और जो छोटी मोटी कमी ये लोग बताते हैं वो हैंडल कर लेते हैं। आप सोच कर देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने क्या लालच दिया है, इमेजिन करके देखो, 100 गज का प्लॉट और उसके ऊपर 2 कमरे का मकान बना के कांग्रेस देगी हर हरियाणा के घर। सर ये तो पहले जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें मोदी जी आए हैं उस वक्त भी तो इन्होंने कुछ लोगों को कहा था कि पता नहीं कितने पैसे देंगे, जो सब लोग पेपर लेके पहुंच गए थे, 8500 रुपए दिए थे ना उसमें, 8500 थे, 8500। अब हरियाणा वालों का मेंटल लेवल देखो, वो 8500 रुपए लेके लोगों ने खटाखट खटाखट पैसे दे दिए यूपी के अंदर और बीजेपी को कमजोर कर दिया। हरियाणा वालों को 100 गज का प्लॉट देने का वादा किया, इन्होंने तब भी नहीं लिया कि बेटा तुझे भगाएंगे। ये जिद देखो यहां पर ये फेल हो गए। और जब 8500 नहीं दिए तो वो 100 गज का प्लॉट क्या हक देते, लालच तो दे दिया ना, मगर तो लोगों ने देखा होगा ना, हिस्ट्री उठाई होगी तो अब हिस्ट्री उठाई होगी तो वही ना कि 8500 नहीं दिए तो तू ये कैसे दे देगा। अब ये कहता है जी मैं तो सरकार में आऊंगा तो दे दूंगा, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि पूरे हरियाणा को अगर 100 गज का प्लॉट देके, और हरियाणा में प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा है, हद ज्यादा है, आपको अगर मान लिया 1 बीघा या 1 मरले जमीन, 1 कनाल जमीन लेनी पड़ जाएगी तो आपको मतलब यकीन मानो बहुत महंगी है, और रेट फिक्स नहीं है। हो सकता है आज आपको वो मान लिया 1 कनाल जमीन है वो 1 करोड़ रुपए की मिल रही हो, कल कहेगा भाई मजा नहीं आ रहा 1.25 करोड़ रुपए देगा तो दूंगा वरना नहीं, और आज उसको आप मतलब स्याही या बयाना दे के आ चुके हो कि ले भाई ठीक है एक पेशगी पकड़ ले 25 लाख रुपए की, और कल आप उसको बाकी पेमेंट दे के आओ तो ये कहेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, एक काम कर 1.5 करोड़ रुपए है तो अपने 25 लाख रुपए ले जा, मेरे को वैसे भी जरूरत नहीं है। ये ड्रामा चलता है हमारे यहाँ, मतलब नहीं बेचनी, मतलब नहीं बेचनी, बहुत महंगे रेट्स है। दोस्तों हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने जीतने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया, उन्होंने जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, कम्युनिटी होती है जो समाज के अंदर, उनके वोट आकर्षित करने की कोशिश करी, महिलाओं की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, और वहीं भाई दूसरी तरफ कांग्रेस की जो सरकार थी वो भाई लालच दे रही थी लोगों को कि हम तुम्हें 100 गज का प्लॉट देंगे और उसके ऊपर 2 कमरों की 1 मंजिल भी बना के देंगे। तो भाई ये यार डेमोक्रेसी के अंदर तुम होते हो और तुम इतना मतलब ऐसा कैसे लालच दे सकते हो कि तुम इतना सब कर सको, ये सब झूठे वादे होते हैं। और यहीं नरेंद्र मोदी जी की स्पीच हमने देखी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि गीता की धरती पर सत्य की विजय हुई है, मतलब जो गीता की धरती इस वजह से कहा क्योंकि हरियाणा के अंदर ही महाभारत हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर, और सत्य की जीत बीजेपी को सत्य बता रही है कि मतलब मोदी सरकार ही सत्य है, ऐसा मोदी जी का कहना है।
और पूरा यार मतलब धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग कि किस तरीके से बीजेपी सरकार जीती है। दोस्तों अब जीती है इतनी मेहनत से तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो मोदी जी को और हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है उनको बहुत बहुत बधाई जीत की।